हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड बाउलर। आज की मेरी रेसिपी है मशरूम पालक करी, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो पालक, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया है पतला पतला। साथ ही में मैंने लिया है 5 से 6 मशरूम, उसे भी अच्छे से धो के और मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है प्याज, ये 2 प्याज है, मैंने इसे कट कर लिया है। और एक ये पेस्ट बनाया है जिसमें मैंने 3 टमाटर, 3 हरी मिर्च, अदरक आधा इंच और 6 से 7 मैंने काजू लेके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं। मसाले में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और मैं इसे बनाऊंगी सरसों के तेल में, आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाए उसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूँगी। दोस्तों तेल आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अब देखिए तेल गरम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी खड़ा जीरा। और जैसे ही जीरा जो है हमारा हल्का सा लाल हो जाए, हल्का सा जो इसमें कलर आ जाए, हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। दोस्तों प्याज ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना प्याज के भी ग्रेवी बना सकते हैं, बट प्याज डालने से थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा आएगा इसलिए मैं प्याज डाल रही हूँ। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, ग्रेवी में आप काजू की जगह नारियल भी डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है, आपको जो अच्छा लगे आप उसकी ग्रेवी बना सकते हैं। देखिए ये प्याज जो है हल्का लाल होना शुरू हो गया है, तो हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब हम इसके अंदर पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाया था, और पेस्ट डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इस तरह से मिलाते हुए अब आप इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो चलिए अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। तो आप सारे मसाले इस तरह से इसमें डाल दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि नमक हम आखिरी में डालेंगे, नमक हमें नहीं डालना है, बाकी सारे मसाले डाल देना है तो नमक आप नहीं डालेंगे। और मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको मिला लेना है, 2-3 बार इस तरह से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है मसालों को, ताकि जो आपकी ग्रेवी बने वो ज़्यादा अच्छी बने और अच्छे से पक जाए हमारे मसाले। तो चलिए इसे अब हम ढक देते हैं करीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे। और 10 मिनट लगभग हो चुके हैं मेरे, और ये देखिए मसाला अब अच्छी तरह से अब देख सकते हैं कि पक गया है, और हमारी जो ग्रेवी है वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं साइड साइड से तेल दिख रहा है आपको। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे पालक जो हमने कट करके रखी हुई थी, पालक हमें इसके अंदर डाल देना है। मशरूम हम इस वक्त नहीं डालेंगे, दोस्तों मशरूम बहुत ही जल्दी पक जाते हैं तो हमें उसे अभी नहीं डालना है। अगर हम पालक का कंपैरिजन रखें तो मशरूम बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो हम मशरूम बाद में डालेंगे, पहले हम ग्रेवी के साथ पालक को ही पका लेते हैं हल्का। तो चलिए अब हम पालक को फेंट लेते हैं जो हमने ग्रेवी बनाई है उसके साथ, ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो फिट जाएं। और इस वक्त आपको इसके अंदर पानी नहीं डालना है, क्योंकि पालक के अंदर खुद ही पानी होता है, जो कि जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे खुद ही ग्रेवी में आपके पानी हल्का हल्का होने शुरू हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वक्त आप पानी ना डालें, क्योंकि जो पालक है वो अपने आप ही गलेगा। और इस तरह से फेंटते हुए इसे हमें 3 से 4 मिनट ढक देना है,
ताकि जो पालक है वो पक जाए। चलिए तो अब थोड़ी देर हो चुकी है, हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए जो पालक है कितनी अच्छी तरह से मिल चुका है हमारी ग्रेवी के साथ, आप खुद ही देख सकते हैं। तो एक बार हम इसे एक बार मिला लेते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर मशरूम डालेंगे। अब मशरूम डालने के बाद आपको फिर से इसे मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेना है। और दोस्तों इस वक्त आप इसमें नमक डाल सकते हैं, उससे पहले आप नमक ना डालें। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और नमक डालने के बाद आपको फिर से इसे एक बार मिला लेना है, ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। दोस्तों अब मैं इसमें डालूँगी हरी धनिया पत्ता, जो हरा धनिया पत्ता है उसे मैंने कट करके इसके अंदर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इतना पसंद नहीं करते हैं तो ना ही डालें, लेकिन इसको डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा, तो मैंने इसके अंदर डाला है। आप ये कभी भी डिनर टाइम पे या कोई गेस्ट आए तो बना सकते हैं, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। खाने पे आप रोटी चावल किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ढक देती हूँ करीबन 2 मिनट के लिए। ये देखिए ये बिल्कुल जो हमारे मशरूम हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से गल गए हैं। और दोस्तों मैं ये करी बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा हमें जो ग्रेवी है वो थोड़ा रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं इसमें करीबन आधा गिलास पानी डालूँगी। और इसे मिलाते हुए मैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी ढक के। इस तरह से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए आप ढक दीजिए। ध्यान रखिए बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसे पकाना है, बिल्कुल जल्दी में नहीं पकाना है, धीमी आंच पे। तो चलिए इसे आप ढक देते हैं हम, और 5 मिनट बाद देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे, और साथ ही में आप ये देख सकते हैं मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके घर में क्रीम है आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 से 3 चम्मच इसमें मलाई डालूँगी ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो और ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में। तो ये देखिए मैंने मलाई डाल दी है और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी ग्रेवी के साथ। तो ये देखिए मुझे इसको अच्छे से फेंटना है, आप भी इसी तरह फेंट लीजिएगा। बहुत ही खाने में क्रीमी टाइप का लगेगा, आपका अगर पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, लेकिन आपके पास अगर है तो ज़रूर डालें और ट्राई करें, ये वाकई बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो मैंने कहा था कि हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे, तो करीबन 1 से 2 चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बनी रहे। और ये देखिए 2 मिनट बाद मैं इसको देख रही हूँ अभी लगभग बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो चलिए हम अब इसे बंद कर देते हैं गैस को और इसे अब एक बाउल में सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार। थैंक यू।